हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप मेरा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल टॉक हिंदी। आज भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं जिन सबको आंसर देने की मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वो पूछा है राकेश मकवाना ने। राकेश जी पूछते हैं शाओमी के फ़ोन में अनएक्सपेक्टेड पावर ऑफ का जो इशू आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो आपको राकेश जी मैं बताना चाहूँगा, एयरटेल एप्लीकेशंस की वजह से शाओमी के जो फ़ोन से, रेडमी फ़ोन से, चाहे पोको फ़ोन से, उनमें फाइंड माई डिवाइस का फीचर्स बार बार रहा है, जिसकी वजह से वो फ़ोन बार बार ऑन हो रहा है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एयरटेल एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन से हटा दीजिए। शाओमी ऑलरेडी बता रहा है कि इसके लिए एक अपडेट देने वाला है जल्दी। जिन जिन फ़ोन्स में दिक्कत आ रही है, उसके सर्वर से वो कुछ भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइंड माई डिवाइस को उसको फिक्स कर देगा। तो उम्मीद है ये वीडियो हमें सॉल्व हो सकती है इन फ्यूचर्स। तो उसमें एक या दो वीक का समय, 3 से 4 वीक का भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले बीटा टेस्ट में टेस्ट करेंगे अपडेट को और फिर अपडेट आप सभी के लिए रोल आउट करेंगे। इसके लिए आप वेट कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये भी पूछा है कि आप कैसे करना है ये मुझे ज़रूर बताओ। तो दोस्त, मैंने राकेश जी ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पर एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ क्विक। तो देखिए आपको क्या दिक्कत आ रहा है, ये आपका फ़ोन है, जैसे आप इसको अनलॉक करते हैं थोड़ा सा सेकंड लगता है, 10-12 सेकंड, और आपका फ़ोन इतनी देर में बंद हो जाता है। तो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप करिए अपने फ़ोन को अनलॉक। ये मैंने किया अनलॉक, ये है एयरटेल एप्लीकेशंस, जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस एयरटेल एप्लीकेशंस पर टच करके रखता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा। आपने तुरंत इसको किया अनलॉक, एयरटेल एप्लीकेशंस पे टच करके किया और यहाँ ऊपर ले जाके इसको छोड़ दिया। अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तुरंत आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ये अनइंस्टॉल आसानी से इजीली हो जाएगी। सेकंड जो क्वेश्चंस किया है मिस्टर अभिषेक नागर ने, अभिषेक जी पूछते हैं भाई ये मी टीवी में मीरा कास्ट एप्लीकेशंस कब आएगा। अब हर बार बोलते आएगा आएगा आएगा, बट अभी तक नहीं आया। तो दोस्त सॉरी, मुझे जैसे पता चलता है मैं आपको भी बताता हूँ, बट नवंबर 15 तक का बोला था, तो आई थिंक डेट तो आसपास हो चुकी है, अभी तक हमें अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो मे बी अपडेट नहीं मिल सकता। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, मीरा कास्ट एप्लीकेशंस हमारे मी टीवी 4A शाओमी का जो टीवी है उसमें ना आने का एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो मी टीवी है 4A वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस वजह से हो सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम, दिक्कत आ रही हो। तो यहाँ आपको मैं बता दूँ कि जब मीरा कास्ट एप्लीकेशंस वर्क करता है तो वो बहुत सारी सर्विसेज का यूज़ करके प्रोसेस करता है, जिसके बाद ये प्रोसेस होती है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप जैसे आपका फ़ोन है, ये फ़ोन का आपका स्क्रीन है, तो आपने क्या किया, मीरा कास्ट किया, तो आपके फ़ोन की जो भी स्क्रीन होगी वो स्क्रीन पहले तो रिकॉर्ड होती है आपके फ़ोन में और फिर वो जाती है टीवी के साथ वाईफाई नेटवर्क के माध्यम से। तो अब यहाँ दोस्त दिक्कत ये आ रही है कि आपका फ़ोन तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, अब टीवी में 2 से 3 प्रोसेस काम करना, उसका ऑलरेडी एक असॉफ प्लेटफॉर्म पे बना हुआ टीवी है, बड़ी मुश्किल से वो एंड्रॉयड 9 को पाई को सपोर्ट कर पा रहा है, और उस पर अगर वो मीरा कास्ट सर्विस देंगे तो पहले तो एक एप्लीकेशन चलेगी जो कि है मीरा कास्ट, सेकेंड आपके टीवी का हॉटस्पॉट चलेगा, थर्ड टीवी की जो प्रोसेसर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि ये 2 प्रोसेसिंग के साथ साथ वाईफाई नेटवर्क के साथ हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी दे और कहीं से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेटा आ रहा है वो अपने टीवी पे प्रेजेंट करें। तो इस वजह से हो सकता है आपका टीवी क्रैश हो जाए, बार बार बंद हो जाए, हैंग हो जाए या OS क्रैश हो जाए, तो इसलिए शाओमी नहीं दे रहा हो, ये मुझे पता चला था, मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन है वो भी शाओमी टीवी से रिलेटेड ही है। ये क्वेश्चन पूछा है मिस्टर जितेंद्र ने। जितेंद्र जी पूछते हैं कि भाई मी टीवी हमारे पास है, मी टीवी 4A और मी टीवी 4 Pro, मी टीवी 4 Pro 43 इंच का, तो इसके अंदर क्या एंड्रॉयड 10 हमें मिल सकता है, मिलेगा तो कब तक मिलेगा, और जब भी मिलेगा तो आप वीडियो ज़रूर बनाइए। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, अगर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट अभी तो कोई चांसेस नहीं है, मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो जितेंद्र जी प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको मैं फिर भी बता दूँ कि जो अपडेट आने वाला है वो इस साल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और जो सबसे पहले अपडेट आएगा उनके 4X सीरीज़ में आएगा, या उनके जो होराइजन एडिशन टीवी है उसमें हमें अपडेट देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 10 का। तो ऑलरेडी मोटोरोला का एक टीवी है जिसमें एंड्रॉयड 10 आउट ऑफ द बॉक्स हमें देखने को मिलता है, तो मे बी कॉम्पिटिशन की वजह से शाओमी भी दे दे, तो उम्मीद करते जल्दी जल्दी दे दे और मुझे आपके वीडियो बनाने का मौका मिल जाए।
अगला क्वेश्चन पूछा है जियो टीवी के बारे में। भाई ये जियो टीवी हमेशा उल्टा क्यों चलता है, इसका कोई रीजन क्या कारण है और इसको कैसे फिक्स करना है ये भी मुझे जरूर बताएं। मिस्टर धवल शर्मा। ओके तो धवल जी, आपको मैं बता दूं, ये जियो टीवी जो एप्लीकेशन है, ये जियो टीवी एप्लीकेशन इस वजह से उल्टा चलता है क्योंकि जियो टीवी जो डेवलपर है उन्होंने टीवी के लिए कोई भी जियो टीवी एप्लीकेशन नहीं बनाया है। तो जैसे हम जियो टीवी एप्लीकेशन को टीवी में इंस्टॉल करते हैं तो टीवी उसके रिजोल्यूशन के आधार पर ये मैनेज कर लेता है कि हमारा टीवी जो ऐसे लगा हुआ है वो इस प्रकार से है, तो वो क्या है इस प्रकार से ओपन करता है कुछ इस प्रकार से, और हम हमारा रिमोट पकड़ते हैं इस प्रकार से, तो इस वजह से हम उसे ऑपरेट नहीं कर पाते। मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, कोशिश करूंगा नीचे मुझे वो वीडियो मिल जाए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं। आपको अपना जो रिमोट है वो ऐसे ना पकड़ के, आपको उसे ऐसे पकड़ के अगर सेटअप करेंगे 4-5 बार जरूर दिक्कत आएगी, पर मे बी आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाए। जो क्वेश्चन पूछा है आरिफ बेग पूछते हैं, भाई कौन सा टीवी लेना ज़्यादा बेस्ट है, 43 इंच या 50 इंच या 85 इंच? तो भाई मैं आपको यहाँ तो क्लियरली बताना चाहूँगा, आपकी रिकमेंडेशंस पर डिपेंड करता है कौन सा टीवी आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांड अच्छा रहेगा। अगर आपको ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए तो आप नोकिया ले सकते हैं, बेटर साउंड चाहिए तो नोकिया ले सकते हैं, अगर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए तो फिर आप शाओमी का टीवी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि भाई शाओमी का टीवी लेते हैं, रियलमी का टीवी लेते हैं, मोटरोला का लेते हैं, सैमसंग का लेते हैं, एलजी का लेते हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं लोकल और अच्छे ब्रांड हैं, तो इनकी आफ्टर सेल्स जो सर्विस होती है आपको उसको पहले पता करना पड़ेगा, क्योंकि भाई टीवी तो आज आप ले लेंगे पर इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप किससे संपर्क करेंगे, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। तो आप जो भी टीवी लें डेफिनेटली सोच समझ के लें, अच्छा टीवी लें, ऐसे कंपनी का टीवी लें जो आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत बहुत अच्छी प्रोवाइड करा रहा हो। मैं शाओमी का इसलिए नाम लेता हूँ क्योंकि मैंने शाओमी से 1-2 बार टीवी रिपेयर करवा चुका हूँ, तो इसलिए मैं शाओमी का हमेशा आपको बोलता हूँ शाओमी का टीवी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी सर्विस आपको यहाँ पे मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिस्टर अजय प्रजापति जी पूछते हैं, क्या भाई मी टीवी का या किसी भी स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड टीवी का स्क्रीन मोबाइल पे देखना पॉसिबल है रियल टाइम पे, जैसे हम फोन से फोन की स्क्रीन टीवी पे देख सकते हैं, क्या वैसा टीवी का स्क्रीन फोन पे देख सकते हैं? मुझे ज़रूर आंसर बताना और मेरा क्वेश्चन ज़रूर आप लेना। तो देखिए अजय भाई, बिल्कुल टेक्निकली बिल्कुल पॉसिबल है, काफ़ी सारी एप्स भी है इसके लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आप देखना चाह रहे हैं कि कैसे आपको टीवी का स्क्रीन फ़ोन पे लेना है, तो मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा अगला जो प्रश्न पूछा गया है मिस्टर हेमंत जी पूछते हैं कि क्या भाई मी टीवी को या रियलमी टीवी को दोनों का साइड बाय साइड ब्राइटनेस अगर हम साथ में लेंगे तो किसका टीवी बेटर परफॉर्म करने वाला है, रियलमी या फिर शाओमी? तो देखो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ब्राइटनेस ही चाहिए तो मैं आपको बता दूं रियलमी जो कंपनी है वो ऑलरेडी कॉपी करके टीवी बनाती है, ऐसा सब बोलते हैं। एवरी जो उसके प्रोडक्ट होते हैं वो सब शाओमी को ही बीट करने के लिए बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली अगर आप ब्राइटनेस को लें, साउंड को लें, तो यहाँ पे आपको रियलमी टीवी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, क्योंकि पहले शाओमी का टीवी आया था, उसके बाद रियलमी टीवी लेके आया, फिर शाओमी के टीवी लॉन्च हुए तो फिर रियलमी ने नया टीवी लॉन्च किए, शाओमी के टीवी में आपको 20 वॉट का आउटपुट स्पीकर मिलता है परंतु रियलमी टीवी में हमें 24 वॉट का आउटपुट स्पीकर मिलता है, हमें ब्राइटनेस काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छी मिलती है। ये ज़रूर है कि शाओमी के पैनल काफ़ी अच्छे मिलते हैं, 4X सीरीज़ जो उनका है कमाल का है, पर ये भी मैंने बहुत सुना है कि उनके पैनल में इश्यूज़ काफ़ी आते हैं, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है, क्योंकि जिस कंपनी के टीवी ज़्यादा है इशू उसी आएगा। अगर आप बात करें रियलमी और अगर शाओमी की, तो मैं छोटा सा एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है कि ओवरऑल इंडिया में अभी तक शाओमी ने 80 लाख के आसपास टीवी सेल कर चुका है, और रियलमी की अगर मैं बात करूँ तो शायद आई थिंक 4.5-5 लाख टीवी वो बेचा हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ शाओमी के 80 लाख पे, अगर उसके टीवी 1000 टीवी में पैनल का इशू आ रहा है या 2000 में पैनल का इशू आ रहा है,
तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर टू 2000 कस्टमर शाओमी के परेशान है केवल पैनल को लेकर, अब रियलमी में 4.5-5 लाख टीवी उनके सेल हुए हैं तो उसके 40 से 50 या 100 या 200 कस्टमर अगर परेशान हैं। तो यहाँ मैं अगर फिगर्स के लिए बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ हाँ शाओमी के टीवी ख़राब हो रहे हैं, बट अगर मैं बात करूँ औसत की एवरेज की तो यहाँ एवरेज काफ़ी अच्छा शाओमी का निकल के आता है कि जितने ज़्यादा टीवी है उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी भाई, कस्टमर ज़्यादा है प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, रियलमी में कस्टमर कम है तो प्रॉब्लम कम होगी। रियलमी का टीवी अभी आया है, शाओमी के टीवी 2018 में लॉन्च हुए तो 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं, पैनल खराब होंगे तो आपको काफ़ी सारे रिव्यूज़ अमेजन फ्लिपकार्ट पे कमेंट बॉक्स पे देखने को मिलेंगे या अदर सोशल नेटवर्किंग पे मिलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के आपको यूट्यूब पे वीडियो भी मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज इतने ही वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था, इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास अवेलेबल थे। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, मैं हर बार कोशिश करूँगा ऐसे कभी कभी वीडियो बनाकर आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस का आंसर देने की। उम्मीद है वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे ज़रूर सेट करिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।